गाइस वेलकम टू माय टुडेज व्लॉग। क्या आप भी पैकिंग कर रहे हैं दुबई जाने के लिए? तो जाना नहीं चाहेंगे क्या क्या पैक करना है? जानना चाहेंगे ना? लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस ये वीडियो उनके लिए बहुत यूजफुल है जो दुबई आ रहे हैं 3 मंथ्स वीजा पे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था जॉब्स इन दुबई की, आई सजेस्ट जब भी आप दुबई आ रहे हैं जॉब ढूंढने के लिए तो आप हमेशा 3 मंथ्स वीज़ा लीजिए, जिससे आपके पास टाइम होगा और आप अपने अकॉर्डिंग जॉब ढूंढ पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1। सो पॉइंट नंबर 1 है डॉक्यूमेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप अपनी पैकिंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैग में एक सेफ्टी वाली जगह पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, कॉपीज ऑफ CV, कॉपीज ऑफ पासपोर्ट 3-4 रख लीजिएगा, एंड कॉपीज ऑफ आपकी डिग्री एंड मार्कशीट ये ज़रूर रख लीजिएगा। ओरिजिनल भी, मार्कशीट्स एंड डिग्री की ओरिजिनल भी एंड कॉपीज भी करवा के रख लीजिएगा। एंड वन मोर सजेशन, आप जब भी दुबई में आके बाहर निकलते हैं तो आपका जो वीज़ा पेज है प्लीज़ वो अपने साथ ही कैरी कीजिएगा, अगर इनकेस कोई आपसे पूछ ले। वैसे कोई पूछता नहीं है बट फॉर अ सेफर साइड अपने पास रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछता है आप यहाँ क्यों आए हैं, कैसे, कोई भी पुलिसमैन या यहाँ का कोई अथॉरिटी पर्सन पूछता था, ये बोल सकते हैं दिस इज़ माई वीज़ा और ये यहाँ तक इतने टाइम पीरियड तक वैलिड है। एंड चलते हैं पॉइंट नंबर 2। सो पॉइंट नंबर 2 है क्लोदिंग। जी हाँ, आई वुड सजेस्ट कि आप वो चीज़ें रखिए जो बहुत ज़रूरी हैं और जिनके बिना गुजारा नहीं हो सकता है। सबसे पहली चीज़ तो आपके फॉर्मल्स आते हैं, क्योंकि आपको इंटरव्यू के लिए जाना है तो फॉर्मल्स चाहिए ही चाहिए। तो फॉर्मल्स में आपकी फॉर्मल पैंट्स, शर्ट्स, एंड कैजुअल में टी शर्ट्स, डेनिम्स, एंड यही सेम चीज़ें गर्ल्स के लिए भी आती हैं कि आप फॉर्मल ज़रूर रखिएगा, इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड कैजुअल्स में वट एवर यू लाइक, जो भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं वेयर करना वो चीज़ें रख सकते हैं। इनर वियर अंडर गारमेंट्स में मैं सजेस्ट करूँगी आपको, गर्ल्स तो वॉश कर लेती हैं बट बॉयज़ अगर आपको वॉश करना आता है तो आप 1 वीक का तो एटलीस्ट स्टॉक रखिए, ताकि अगर आपके पास टाइम है आप हैंड टू हैंड वॉश कर सकते हैं। इनकेस आपको आते ही जॉब लग गई, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप वीकेंड पर एटलीस्ट उनको वॉश कर सकते हैं, तो 1 वीक का स्टॉक ज़रूर रखिएगा। एंड शूज़, कैजुअल शूज़ एंड फॉर्मल शूज़ दोनों रखिएगा, एंड 1 पेयर ऑफ ट्रेडिशनल वियर रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कभी कोई फंक्शन होता है, कोई पूजा होती है, तो उसके लिए आप गर्ल्स के लिए सूट या साड़ी जो आप पसंद करते हैं, एंड बॉयज़ के लिए कुर्ता सिंपल आप वो डेनिम के साथ भी पहन सकते हैं, तो 1 पेयर आप ट्रेडिशनल ड्रेस का ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। एंड अगर आपके पास ब्लेज़र अवेलेबल है, नॉट ओनली कि आप समर में आ रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास फॉर्मल ब्लेज़र है गर्ल्स बॉयज़ बोथ, तो वो आप ज़रूर रख लीजिएगा। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो मोर प्रेजेंटेबल लगता है, एंड ड्रेसिंग स्टाइल से आप सबसे पहले सामने वाले को इम्प्रेस करते हैं, तो आप एक ब्लेज़र ज़रूर रख लीजिएगा इन केस। और अगर आपकी जॉब लगा दी है तो भी आपके वो ब्लेज़र काम ही आने वाला है, क्योंकि AC इतना तेज होता है यहाँ पे कि आपको ब्लेजर तो चाहिए चाहे गर्मी हो। मैंने जो गलती करी थी वो आप मत करना, मैंने ही गलती करी थी, जो मेरी प्रिपरेशन थी, मेरे पास जो अवेलेबल था कपड़ों में मैं चुप के ले आई थी। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्योंकि मेरी गलती थी, मैंने फॉर्मल्स नहीं रखे थे, मतलब फॉर्मल्स नहीं रखे थे इन द सेंस जो अवेलेबल था मैं ले आई, मेरे पास सूट था सूट ले आई, ये था ये ले आई, टी शर्ट्स ले आई, तो फिर यहाँ आके मुझे फॉर्मल बैली जो मैं हील्स तो मेरे को पहनना डिफिकल्ट लगता है, तो मैं फ्लैट बैली लेने गई आते ही विदिन अ वीक, मतलब जॉब मेरी आते ही लग गई थी, विदिन अ वीक लग गई थी लकीली, तो फिर मैं वो शर्ट्स एक दो चीज़ें लेने गई। तो आप जो है आपके फॉर्मल्स अच्छे से रखिएगा पहले, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर पहले ध्यान दीजिएगा। नाउ पॉइंट नंबर 3 है बेडिंग्स। क्योंकि जब आप आएंगे अपने रहने का अरेंजमेंट आप करके आएंगे एंड आप कहाँ रहते हैं आपको कैसा बेड मिलता है, तो ऑफकोर्स आप किसी की चीज़ तो यूज़ नहीं करेंगे, तो पैकिंग करते हुए अपने साथ एक पिलो, जो भी आप कंफर्टेबल पिलो है, आपका फेवरेट पिलो है, वो साथ में रख लीजिएगा। बेडशीट्स 2-3 रख लीजिएगा, पिलो कवर्स रख लीजिएगा, ताकि आप हाइजीन भी मेंटेन कर सकें, क्योंकि एक बेडशीट आप कितने दिन बिछा लेंगे, और ये चीज़ें ज़रूर रख लीजिएगा। एंड एक चीज़ और रखनी पड़ेगी आपको, जो है AC ब्लैंकेट, और वो भी मतलब लाइट रखिएगा, ज़्यादा हैवी और वेट वाला मत रखिएगा,
क्योंकि आते ही आप एकदम शॉपिंग के लिए तो नहीं भाग सकते, जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें हैं वो आपको लेके ही आनी चाहिए। एंड फिटेड बेडशीट्स रखिएगा ताकि आपको बिछाने में ईजी हो और इन चीज़ों में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, जिस चीज़ के लिए आया आप उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर सकें। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज मेडिसिंस। तो जो मेडिसिंस हैं, जो आपको पता है, सिर दर्द, ये दर्द, वो दर्द, ये जितनी भी दर्दें हैं, सिर दर्द, पेट दर्द, दांत का दर्द, इन सब की जो दवाइयाँ ले आइए, अगर आपको पता नहीं है कौन सी किसकी है तो उस पर लेबल कर लीजिएगा कि ये फीवर की है। कोल्ड कफ यहाँ पे होता रहता है क्योंकि वेदर कॉन्स्टेंट नहीं रहता, तो कोल्ड कफ बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो फीवर, कोल्ड, पेट दर्द, सिर दर्द, टूथेक, और आपको अगर ऐसी कुछ और जैसी प्रॉब्लम है तो उसकी मेडिसिन रखिए। एंड अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन ज़रूर साथ में कैरी कीजिएगा, ताकि जैसे मुझे जॉइंट्स पेन है तो मैं जब भी इंडिया जाती हूँ 3 मंथ्स की मेडिसिन कैरी करती हूँ, बट उसके साथ बिल और डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन होता है, कोई चेक नहीं करता है। बट इफ़ इन केस कोई चेक करे तो फॉर अ सेफर साइड ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एंड जो आप नॉर्मल मेडिसिन लाएंगे, फीवर, कोल्ड कफ, इन सब का भी ट्राई कीजिएगा, बिल साथ में ज़रूर रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो पॉइंट नंबर 5 है फोन एंड लैपटॉप। तो जी मैं आपको ये कहूँगी, अगर आप सोच रहे हैं मैं दुबई जा रहा हूँ तो मैं नया फ़ोन ले लेता हूँ और नया लैपटॉप ले लेता हूँ, ये गलती मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आपके पास जो फ़ोन है अगर वो अच्छे से काम कर रहा है, लैपटॉप पे आपका काम चल रहा है, आप उस पर ईमेल भेज सकते हैं, आपका एक्सेल परफेक्ट काम कर रहा है, तो वही चीज़ें आप लेके आइए। और अगर आपको बाय भी करना है, आपको लग रहा है जी ये फ़ोन किसी काम का नहीं है, और अगर आपको बाय करना है तो आप यहाँ की कीजिए। उसके पीछे का रीज़न ये है, एक तो आप यहाँ आएंगे तो बिलिंग आपके पास रहेगी, आप वारंटी वगैरह भी, आपको वारंटी के साथ मिल जाएगी चीज़ें, आप यहाँ रहेंगे तो आप कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वहाँ से लेके आएंगे और फिर यहाँ आओगे तो वारंटी फिर वहाँ की रहेगी, तो उस चीज़ का कोई वर्थ नहीं है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6। सो पॉइंट नंबर 6 है यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स अगर आप बॉय एंड गर्ल बोथ ऑफ यू दोनों के लिए, अगर आपको कुकिंग करना पसंद है तो उसके हिसाब से टी पैन, एक नॉर्मल फ्राई पैन जिसमें आप मैगी, ऑमलेट, भुर्जी ये सब चीज़ें बना सकते हैं, वो पैन ले आइएगा साथ में। एक तवा ले आइएगा अगर रोटी सेकनी है, अगर आप रेडीमेड भी रोटी लेते हैं, फ्रोज़न रोटी, तो विच इज़ नॉट हेल्दी, तो बट पेट तो भरना है। अगर आपके पास टाइम नहीं होगा क्योंकि आप आएंगे इंटरव्यूज पे, जगह जगह जाना पड़ेगा, तो आप वो रोटी सेकने के लिए भी आपको तवा तो चाहिए, उसके बाद तो चाय की छन्नी, ये बेसिक चीज़ें हैं, करछी, स्पून, फोक, ये सारी चीज़ें, एक एक नाइफ, ये आप रख सकते हैं अपने साथ में, एंड एक बॉल रख सकते हैं, और जो भी चीज़ रखिएगा माइक्रोवेव प्रूफ रखिएगा, क्योंकि आपके पास इतने बर्तन ही होंगे आप बार बार यूज़ करके गर्म कर सकें, तो जो है प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी रखिएगा। कांच तो आप वेरी डिफ़िकल्ट टू कैरी, क्योंकि वो बैगेज इधर उधर होता है तो टूटने के चांसेस हैं, ला सकते हैं केयरफुली, बट वो इट्स अप टू यू कि आप प्लास्टिक पसंद करते हैं या ग्लास प्रेफर करते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी का लाएं जो कि माइक्रोवेव प्रूफ हो। एंड दो चीज़ें और, कुकर, इट्स अप टू यू, अगर आप बनाते हैं दाले शाले, राजमा छोले, तो आप कुकर एक छोटा 2 लीटर का कैरी कर सकते हैं अपने साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चॉपर ज़रूर ले आइएगा, वैसे यहाँ पर मिलता है बट अगेन आते ही आप शॉपिंग पे तो नहीं जाएंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें एट लोएस्ट प्राइस अवेलेबल हैं, चाहे चकला हो, चाहे बेलन हो, चाहे तवा हो, चाहे पैन, एनीथिंग पैंस, तो यहाँ पे सब अवेलेबल है अच्छे प्राइस पे। बट आते ही अगेन शॉपिंग पे जाना, कहाँ से लेना है कि आपको नहीं पता होगा, तो आप जो बेसिक चीज़ें हैं जिसके बिना गुजारा नहीं चल सकता, वो चीज़ें ज़रूर कैरी कीजिए। नाउ पॉइंट नंबर 7। सो पॉइंट 7 है फूड। फूड में आपको कुछ कैरी नहीं करना है, आटा, नमकीन, बिस्किट, ओट्स, ये वो सब कुछ वहीं छोड़ना है। अननेसेसरीली अपना बैगेज फुल नहीं करना है आपको, यहाँ पे सब मिलता है सुई से लेके आशीर्वाद आटा तक, मोगेम्बो खुश हो, यहाँ पे सब मिलता है, आपको कुछ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। फालतू में अपना बैगेज मत फिल कीजिएगा, बिस्किट रख लो, नमकीन रख लो, मट्ठी रख लो, ये रख लो, नहीं, कुछ नहीं रखना है आपको, यहाँ पे सब मिलता है और अच्छे प्राइस पे मिलता है, तो कोई टेंशन नहीं किसी चीज़ की, फूड में से आपको कुछ कैरी नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट, सो जी 8th पॉइंट है बैग्स।
एक तो आप दो बैग लेंगे या तीन भी ले सकते हैं। आप बैगेज आपको अवेलेबल होता है 30 kg और हैंड कैरी में आप 7 kg ले सकते हैं। तो अब आप इट्स अप टू यू कि अगर आप 20 और 10 का बनाना चाहते हैं दो, या 15 के दो बनाना चाहते हैं, या 30 का एक बनाना चाहते हैं, तो इट्स अप टू यू। तो 30 kg आपके पास होगा, 30 kg का ही आपको बैगेज रेडी करना है। उसका ऊपर वेट होता है तो वो कुछ चार्ज होता है, वो आपको तभी उस टाइम पे बताया जाएगा जब आप बोर्डिंग पास लेंगे, तब आपको बताए जाएंगे चार्जेस। बट ट्राई कीजिएगा कि 37 kg में आप अपना जो सारा सामान है वो सेट कर लें। और अगर कुछ लग रहा है हैवी है, या जैसे ब्लैंकेट है, बेडशीट्स, आपको लग रहा है जी ये बहुत जगह घेर रही है, तो उनकी वैक्यूम पैकिंग कर लीजिएगा ताकि वो श्रिंक हो जाए और ईजिली आपके बैग में फिट हो जाए। तो बैगेज के लिए मैं आपको कहूँगी, जो आपका बैग है, जो बैगेज में आपने इन करना है बोर्डिंग पास लेते हुए, वो बैग आपको बेल्ट में डालना है, वो बैग की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा काम चलाओ बैग मत उठाना, क्योंकि वहाँ पे जो भी लोग होते हैं बैग को फ्लाइट में रखते हैं और वापस उतारते हैं बेल्ट के लिए, तो वो बिल्कुल हैंडल विद केयर नहीं करते हैं उस बैग को। तो बैग आपका सॉलिड होना चाहिए कि वो जितनी बार भी पटके तो वो टूटे नहीं। तो पहली चीज़ तो वो बैग आप बहुत स्ट्रांग और अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। एंड सेकेंड थिंग, जो आपको हैंड कैरी लेना है, तो हैंड कैरी बैग के बजाय आप बैग पैक ले लीजिएगा, ताकि वो बैग आपके यहाँ आके जब आपको बाहर जाना है, आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, आपको CVs कैरी करना है, आपको लैपटॉप रखना है, तो वो बैग आपके लिए यूज़फुल हो। तो बैग पैक ले लीजिएगा फॉर हैंड कैरी। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल केयर। तो पर्सनल केयर के लिए आपको क्या चाहिए? टूथपेस्ट चाहिए, ब्रश चाहिए, ऑयल चाहिए, क्रीम चाहिए एंड शैम्पू चाहिए। तो ये छोटी छोटी बॉटल ले आइएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं मिलता। अगेन, आते ही तो शॉपिंग पे नहीं जाएंगे, तो एटलीस्ट 1 or 2 weeks का जो है स्टॉक ले आइएगा, छोटी छोटी बॉटल्स में अच्छे से पैक करके ऊपर टेप वेप कर दीजिएगा, ताकि बैग में नहीं खुले और आपके कपड़े ख़राब नहीं हो। बहुत अच्छे से पैकिंग कीजिएगा। और गर्ल्स के लिए जो है आपका बेसिक मेकअप का सामान, वो आप रख सकते हैं, काजल, लिपस्टिक, वट एवर यू लाइक। अगर आप आयरन यूज़ करते हैं फॉर हेयर्स, तो वो आयरन मशीन और कर्लर जो आप पसंद करते हैं, अगर आपको लगता है आपके बाल मैनेजेबल नहीं है, तो आप वो चीज़ रख सकते हैं। एंड जो यहाँ की पिन्स रहती हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो आप एक मल्टी प्लग भी कैरी कर लीजिएगा, क्योंकि वो प्लग यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ की जो पिन्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, 10th पॉइंट, कैश। तो आपको कैश कैरी करना है, क्योंकि वीज़ा टिकट तो आपका हो गया है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, वीज़ा आने के बाद ही टिकट कराइए। कई लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं, हैंड टू हैंड टिकट भी करा देते हैं, बट कई बार इमिग्रेशन में इतना रश होता है कि वीज़ा आने में टाइम लगता है, तो आप वीज़ा आने के बाद ही टिकट कराइएगा। नाउ बैक टू कैश, अगर आप कैश कैरी करना है तो वहीं से एक्सचेंज करा लीजिए, वो बेटर है, क्योंकि आते कहाँ जाएंगे आप। तो कैश जो है आप इंडियन रुपीज़ को द्राम्स में कन्वर्ट करवा के लाइएगा, और अगर वहाँ पे रेट अच्छा नहीं मिल रहा है तो आप एयरपोर्ट पे भी करवा सकते हैं। और यहाँ की GCC एक्सचेंज है, किसी से भी आप पूछेंगे तो आपको इजीली बता देंगे कहाँ से एक्सचेंज होता है मनी। एंड ये नहीं कि भाई मुझे, मैं बात कम करता हूँ, ऐसा नहीं, स्ट्रेंजर से आपको आके यहाँ बात करनी पड़ेगी, न्यू फ्रेंड्स बनाने ही पड़ेंगे, बट लिमिटेड, हर चीज़ को लिमिटेड ही रखिएगा, ज़्यादा भी इन्वॉल्व नहीं होना है किसी में, क्योंकि हमारा जो फोकस है, हम जिसके लिए आए हैं, हमें वो क्लियर रखना है। तो जी, ये पॉइंट्स तो हो गया ख़त्म। व्हाट टू पैक, तो आपको समझ आ गया होगा क्या क्या पैक करना चाहिए। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था, तो हो सकता है किसी और ने और भी अच्छी वीडियो बनाई हो इसके ऊपर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कोई पॉइंट नहीं है ना आपको पैक करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे ये कहना चाहूँगी, जब भी आप प्लान कर रहे हैं किसी भी कंट्री जाने का, चाहे दुबई हो, चाहे कैनेडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, अपने पेरेंट्स की रज़ा से ही यहाँ आइएगा। उनसे लड़ झगड़ के नहीं आना कि नहीं वो नहीं अलाउ कर रहे हैं तो हमें जाना ही है, ये चीज़ मत कीजिएगा। उनकी ब्लेसिंग के साथ आएंगे तो आपके आगे काम अच्छे हो जाएंगे, तो उनको कन्विंस करके कि हाँ आप किसी चीज़ के लिए जा रहे हो, किसी मकसद के लिए जा रहे हो, उनकी परमिशन ज़रूर होनी चाहिए आपका किसी भी कंट्री में जाने के लिए। एंड एक चीज़, अपना जो माइंड है आपका, जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ आइएगा, ये नहीं कि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाएंगे। सबसे इजी है दुबई आना, वीज़ा लगाया, टिकट कराई और दुबई आ गए, इट्स वेरी इजी। बट जो आपका जो जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं वो फोकस क्लियर होना चाहिए। प्लीज़ नेगेटिविटी के साथ मत आइएगा कि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाएंगे, ये चीज़ मत सोचिएगा। आप सोचिएगा मुझे जाना है, मुझे सेटल होना है और मुझे अच्छा करना है, आप सब अपना माइंड मेकअप करके ही आइएगा। तो जी, आएंगे तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, इस मकसद के साथ आपको यहाँ आना है।
या किसी और कंट्री जाना है तो भी ये मकसद आपका होना चाहिए। नाउ आई विल एंड दिस वीडियो बाय सेइंग कि आते ही जॉब की जल्दबाजी मत कीजिएगा, जो गलती मैंने की थी आप मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे को ये था जैसे ही मैं आई मुझे मेरी लाइन की जॉब नहीं मिली, मतलब जैसे मेरा जो बैकग्राउंड है अकाउंट्स है मुझे उससे रिलेटेड जॉब नहीं मिली, तो मुझे जो मिली मैंने स्टार्ट कर दी। वो गलती आप मत कीजिएगा, एटलीस्ट 3 मंथ्स वीज़ा पे आइएगा, हो सकता है आपकी जॉब आते ही लग जाए, बट उसके बाद भी आपके पास टाइम होगा उस कंपनी को अच्छे से अच्छे से आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आपको आपके मतलब की जॉब मिल जाए, जल्दबाजी मत कीजिएगा। सो आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। एंड मेरा आगे प्लानिंग है और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने की, सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। आई थिंक आई मेड माई पॉइंट्स क्लियर, एंड अगर कुछ रह जाएगा तो प्लीज़ यू कैन कमेंट बिलो एंड यू कैन आस्क मी एनीथिंग एनी टाइम, एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हंसते रहिए, सबको हंसाते रहिए।